लाटविया में फेब 2023 इनटेक में डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया लगातार उनकी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स रिगार्डिंग उनके इनविटेशन कब आएंगे रिगार्डिंग हेलो वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो उनके डाउट्स हैं तो उसी पर आज मेरा इस वीडियो में फोकस रहेगा सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड दोस्तों मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों लाटविया का स्टडी वीजा स्पेक्ट्रम ओवरसीज के साथ अप्लाई करते हुए आपको ऑप्शन मिलता है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा का दोस्तों लाटविया फेब 2023 थाउजेंड इनटेक में स्पेक्ट्रम ओवरसीज के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इंटरव्यू यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्लियरेंस रेट मिला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लियर हुए हमें यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स आ रहे हैं मैसेजेस आ रही हैं क्वेरीज आ रही हैं कि जिन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू क्लियर हो चुके हैं वो अपने इनविटेशंस की वेट कर रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि इनविटेशंस कब आएंगे तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया आप स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले लिए ए आई डिसीज़न अभी पेंडिंग थे इंटरव्यू तो क्लियर हो गया लेकिन आपको इन्विटेशन ए आई डिसीज़न आने के बाद ही रिसीव होते हैं ए जो कि प्रोसेस है फोर वीक्स का तो आप ये देख सकते हैं आप आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ई भी आई होंगी कि आपका आई कब स्टार्ट हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके फोर वीक्स के बीच भी, भी, बीच में इन्विटेशन्स का तो इन्विटेशन जिनको रिसीव हो गए हैं उनकी क्वारीज थी रिगार्डिंग हेलो वेरीफिकेशन एंड रिगार्डिंग एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स को लेके स्टूडेंट्स को का ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है बिकॉज़ लैटवियन एम्बेसी ने दिसंबर में ही लास्ट मंथ में ही क्लियर किया था कि इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन तो उन्होंने uh, कहा था कि एप्लीकेशन आर वेरी लिमिटेड जो नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स रहेंगी वो लिमिटेड ही रहेंगी तो टाइम टू टाइम ये ओपन होंगी बट इसके लिए आपको 60 डेज तक वेट करना पड़ सकता है तो इसके लिए लगातार आप वी एफ एस लाटविया की uh, वेबसाइट पर बने रहें उसको सुबह शाम रात को चेक करते रहें अर्ली इन द मॉर्निंग भी चेक करें और जब भी अपॉइंटमेंट ओपन हो उसको जल्दी से जल्दी बुक करें चाहे आपको कोई भी डेट मिलती हो उसमें प्रेफरेंशियल डेट ओपन होने का इंतज़ार बिल्कुल मत करें जो अवेलेबल है उसको लेके अपनी फ़ाइल सबमिट करने की बात करें आ, लाट एम्बेसी ऑफ लाटविया ने यह भी अपडेट दी थी कि उसका प्रोसेसिंग टाइम फिफ्टीन डेज़ है जब आप फ़ाइल सबमिट कर देते हो वी में वी आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा एम्बेसी ऑफ लाटविया न्यू दिल्ली को वहाँ पर रिसीव होने के बाद पंद्रह दिन के बीच बीच में आपको डिसीजन uh, एक्सपेक्ट करना चाहिए बट इफ दे रिक्वायर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन इफ दे फाइंड की फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड इन योर केस योर केस में योर डिसीजन मे कम इन सिक्सटी डेज ऑल्सो मतलब उसको आपको सिक्सटी डेज भी वेट करना पड़ सकता है एक और अपडेट आई थी लाटवियन uh, एंबेसी की कि जो सारे इंटरव्यूज होंगे वो uh, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी एफ एस सेंटर में जाकर आपको देने पड़ेंगे अम्बेसी ऑफ लाटविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वी एफ एस सेंटर में बच्चों को बुलाकर इंटरव्यू शेड्यूल कराएगी इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फीस भी बच्चों को पे करनी होगी जो कि वी एफ एस में पे करी जा सकती है आ, मोड ऑफ़ पेमेंट कैश रहेगा दैट वॉज़ ऑल अबाउट द अपडेट्स ऑफ एम्बेसी ऑफ लाटविया एंड आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी यूजफुल अगर आपकी कोई एडिशनल क्वेरीज़ uh, भी हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आपके आपके रूबरू फिर होंगे थैंक यू सो मच